नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। में हूँ आपके साथ सनी कुमार। इन दिनों राजनीति जो है कर्नाटक से शुरू हुई और चुनावी राज्यों तक पहुँचा, और चुनावी राज्यों के साथ साथ बिहार में जिस तरीके से हिजाब का मामला पहले पहुँचता है, उसके बाद एक और मामले ने अब्दुल पकड़ लिया है। जब कर्नाटक के एक मंत्री ने एक बयान दिया कि आने वाले 400-500 सालों में जो तिरंगा है उसके जगह भगवा झंडा लहराएगा, यानी कि राष्ट्रीय झंडा को, तिरंगे को हटाकर भगवा झंडे को लहराने की बात करने वाले कर्नाटक के एक मंत्री को लेकर जो जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक ट्वीट के माध्यम से टिप्पणी की है। टिप्पणी करते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कभी सम्राट अशोक का अपमान तो कभी तिरंगे को मिटाने का अभियान आखिर कब तक सहेगा हिंदुस्तान। आइए आपको पहले हम उपेंद्र कुशवाहा का वो ट्वीट दिखाते हैं जिस ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, और साफ तौर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी को उसी ट्वीट में अटैच करते हुए लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसे देशद्रोही मंत्री पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पहले सम्राट अशोक को लेकर लगातार जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा लगातार बयान दे रहे थे और बोले थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि DP सिन्हा यानी कि दया प्रकाश सिन्हा ने अपनी किताब लिखी थी जिसमें औरंगजेब की तुलना सम्राट अशोक से कर दी थी, उसके बाद से राजनीति का फिगर भी हुई थी और उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को लेकर भाजपा को घेरने में लगे हुए थे, और जो भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है उन्हीं सम्मानों में से एक सम्मान दया प्रकाश सिन्हा को भी मिला हुआ था। ऐसे में जदयू से की ओर से उपेंद्र कुशवाहा लगातार बोल रहे थे कि दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री वापस ले लिया जाए, लिहाजा ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपको बता दें कि चाहे DP सिन्हा का मामला हो जो उन्होंने किताब लिखी और सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर डाली, साथ ही साथ अभी जो मामला है जो कर्नाटक के एक मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि आने वाले 400-500 सालों बाद तिरंगे की जगह राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भगवा झंडा लहराएगा, इसको लेकर भाजपा पर कड़ी टिप्पणी की है। हालांकि इस पर भाजपा की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही साथ देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और कर्नाटक के CM से जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट के माध्यम से उन्हें टैग किया और अपील की है कि ऐसे देशद्रोही मंत्री पर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे लोग समाज को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि भाजपा जदयू में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर जो भाजपा के नेता हैं उनकी तारीफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से ट्वीट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी और साफ तौर पर ट्वीट के माध्यम से कहा है कि कर्नाटक के उस देशद्रोही मंत्री पर कार्रवाई की जाए जिसने आने वाले 300-400 या 500 सालों में तिरंगे की जगह पे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भगवा को फहराने की बात कही है, देशद्रोही तक करार दे दिया ट्वीट के माध्यम से। साथ ही साथ आपको बता दें कि सम्राट अशोक को लेकर भी लगातार उपेंद्र कुशवाहा भाजपा पर हमलावर रहे थे। देखने वाली बात होगी कि इस पर और भी क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार जिस तरीके से लगे हुए हैं भाजपा पर हमलावर है, ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है या फिर क्या कुछ राजनीतिक हलचल होती है आपको हम जरूर बताएंगे। लेकिन आप इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे NBC 24 न्यूज़।